तो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन N-2F में जाता है उसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन। अगर ये 6 है तो ये 5 है तो ये 4 है, अगर ये 7 है तो ये 6 और ये 5 है, तो डी ब्लॉक कहलाते हैं ट्रांजिशन। और ये ट्रांजिशन के भी अंदर रखे हैं, अंदर ट्रांजिशन, अगर ए -1 में है तो ये -2 में है, ये और अंदर रखे हैं क्योंकि ये विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट रखे गए हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन और कोई रीजन नहीं है इनका, ठीक है ना। सिर्फ हाँ ट्रांजिशन शो करते हैं एफ एफ ट्रांजिशन, लेकिन मेन जो आपका जो नाम आया वो यहीं से आया है कि इनर ट्रांजिशन, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर रखे गए हैं। डी ब्लॉक 4 सीरीज में क्लासीफाई किए गए, 3D, 4D, 5D, 6D। और एफ ब्लॉक 2 सीरीज में क्लासीफाई किए गए, 4F या लेंथेनॉइड, 5F या फिर एक्टिनॉइड, ये 2 सीरीज में क्लासीफाई किए गए हैं, है ना। डी ब्लॉक में स्टेबल एलिमेंट पाए जाते हैं, एफ ब्लॉक में अनस्टेबल, क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक में आपके 28 एलिमेंट से 15 तो रेडियो एक्टिव है, ये बहुत ही अनस्टेबल एलिमेंट है, जिसमें से एक हो गया प्रोमीथियम और बाकी सभी हो गए एक्टिनियम, है ना। चलिए तो लिखिए, लेकिन द एलिमेंट्स द एलिमेंट्स, पूरा वहीं से बच्चों, पूरा सेंटेंस हम वहीं से उठाएंगे, बाकी आपको जरूरी नहीं कि आप हमारा सेंटेंस लिखो। द एलिमेंट्स हुज, द एलिमेंट्स हुज लास्ट, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन, द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इंटर्स इन इन N-2 एफ सेल भी लिख सकते हो, एफ सब सेल भी लिख सकते हो, एफ ऑर्बिटल्स भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे, दो कि तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। N-2F सब सेल, ठीक है, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट, ANTIPENULTIMATE। द एलिमेंट्स हुज लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन N-2F सब सेल, दैट इज एंटी पेनल्टीमेट सब सेल, एंटी पेनल्टीमेट सब सेल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो बच्चों इसका, GEC लिखो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ना ट्रिक हमने आपको बता रखी है याद करने की, ना तो इनका लिखेंगे हम GEC, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो सबसे बाहर से एक कम होती है डी, और एफ होता है 2 कम, है ना। एस को फिक्स कर दो, हमेशा ही 2 रहेंगे, एफ में 1 से लेके 14 तक जाएंगे, डी में कभी कभी 0 आएंगे, कभी कभी 1 आएंगे। तो ये हो गया इनका GEC, N-2F 1 to 14, N-1 है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, N-1D 0 to 1, NS2।
ये वाली होती है आउटर मोस्ट, सेल सबसे बाहर की सेल, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी से निकलते हैं, आउटर मोस्ट सेल लिख लो, सब सेल लिख लो। ये होती है पेनल्टीमेट सेल या पेनल्टीमेट सब सेल, और ए होती है एंटी पेनल्टीमेट सेल या एंटी पेनल्टीमेट सब सेल। पेनल्टीमेट सेल है ना। देखिए जब पेनल्टी मेल्ट सेल वाले होते हैं, ये होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, तो जो ट्रांजिशन के भी अंदर है वो होते हैं इनर ट्रांजिशन। यहीं से आंसर आ जाएगा कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया है। जितनी प्रॉपर्टी डी में पाई जाती है सब इसमें पाई जाती है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी। बस बात यह है कि ये थोड़े से अनस्टेबल है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। और जितना जो कुछ रीजन डी का था वही पूरा रीजन इसका है, ऑल इसका। चलिए लिखे आप। सेल का मतलब होता है कोस या कच, वो जो आप स्फेरिकल बताते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, है ना। इसी के अंदर कहीं 3D स्पेस होगा। अच्छा पहले सेल है, सेल के अंदर सब सेल, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से पता चल जाता, सोमरफेल्ड ने बताया था सेल के अंदर सब सेल, और सब सेल में भी 3D स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं वो ऑर्बिटल। एक सिंपल सा जैसे हमसे पूछे 4D पूछे इसमें सेल कौन है, तो 4 है सेल नंबर, दिस इज द सेल। सब सेल है टी, ये सब सेल है, और ऑर्बिटल है डी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स डी एक्स उसके माइनस वाई उसके डी जेड उसके, ये ऑर्बिटल। हाँ काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, ट्रांजिशन करता है तो काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होती है। इसको देखो क्या है, इसको ट्रांजिशन एनर्जी क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एनर्जी लेके लोअर से हायर में जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, लेकिन ट्रांजिशन ही सिर्फ इसलिए कहा गया है क्योंकि फिक्स है लोअर से हायर और हायर से लोअर, और पर्टिकुलर ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल होगा तो इसको ट्रांजिशन बोल दिया गया है। अगर ऑर्बिटल मतलब एक एटम के ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाए तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। लिखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनर
are also called inner transition, inner transition elements. F block elements are also called inner transition elements at their last electron enters within the transition within the transition elements that is n-1d सेल भी लिख सकते हो, सब सेल भी लिख सकते हो। और वही अगर अलग से पूछा जाए एफ ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन क्यों कहलाते हैं, तो ये स्टेटमेंट लिख देना और वही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट पेनल्टी मेट एंटी पेनल्टी मेट लिखाना ना। तो देखो इनको ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये ट्रांजिशन के अंदर है ना। यहाँ से भी समझ सकते हो आप, उठाना बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल, उठाना बड़ी पीरियोडिक टेबल दे दो हमें, बड़ी वाली पीरियोडिक टेबल। थैंक यू। देखो एक्चुअली में प्लेनर बोर्ड है, अगर आप 3D बोर्ड देखोगे ना 3D, तो ये पूरी सीरीज इसके बैक साइड रखी है और ए पूरी सीरीज इसके बैक साइड रखी है, लेकिन प्लेनर बोर्ड में तो हम पीछे दिखा नहीं सकते ना, तो इसलिए यहाँ रख दिया गया है। तो ये डी के अंदर है, ट्रांजिशन के अंदर है, ए भी डी के अंदर है, ट्रांजिशन के अंदर है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन के अंदर ये रखी गई है, इसलिए ना ट्रांजिशन। ये हो गया पीरियोडिक टेबल के हिसाब से, ठीक है ना। अब लॉजिकल हिसाब से क्या है, अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन के हिसाब से लॉजिक ये चलता है, डेफिनेशन ये चलती है कि इनका है n-2 और डी का है n-1। जे वाले होते हैं ट्रांजिशन और ट्रांजिशन के भी अंदर कौन रखे हैं एफ, तो वो इनर ट्रांजिशन हो गए। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड, इनको और यह भी कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अंतः संक्रमण तक एट देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, प्रवेश करता है विद इन के अंदर द ट्रांजिशन एलिमेंट दैट इज n-1d सेल या पेनल्टी में, और वो जरूर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के प्रेजेंटेशन कर देना, ठीक है ना। डाली हेडिंग क्लासिफिकेशन, डाली हेडिंग क्लासिफिकेशन। टू सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है ना। देखो जब एफ ब्लॉक एमपी बोर्ड में कभी कभी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में डिफरेंस आ जाता है, तो डी ब्लॉक का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जाता है। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन, यही डिफरेंस है। डी ब्लॉक 4 सीरीज में क्लासीफाई है, एफ ब्लॉक 2 सीरीज में क्लासीफाई है। जनरली डी ब्लॉक्स ज़्यादा स्टेबल हैं, एफ ब्लॉक्स कम स्टेबल हैं, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं आपके, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं जो आप इनको बता सकते हो, है ना। तो क्लासिफिकेशन में लिखिए क्लासिफाइड इन टू सीरीज ना। दो सीरीज में क्लासिफाइड किया गया है, तो फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम, लेंथेनॉइड्स भी बोलते हैं, है ना। तो फर्स्ट है, आप कोई भी एक लिख सकते हो, ज़्यादा तो चलता है नॉइड,
ना लैंथेनाइड्स भी बोला जाता है इन्हें, लैंथेनोइड्स भी बोला जाता है इन्हें, लैंथेनोइड्स भी बोला जाता है इन्हें, फोर एफ सीरीज भी बोला जाता है इसे। लेंथेनाइड्स, नोइड्स, फोर एफ सीरीज। क्योंकि ये लेंथेनम्स के बाद से स्टार्ट हुई है इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहा गया है। जैसे जनरल सिंपल दे दे तो सभी लेंथेनाइड्स को एलन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। एलन 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 ये किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, लेंथेनाइड्स के लिए दिया गया है कि एलन मतलब होता है लेंथेनाइड, है ना। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें कम्स आफ्टर लेंथेनम या स्टार्ट आफ्टर लेंथेनम। लेंथेनम से स्टार्ट नहीं होती है, लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है। कम्स आफ्टर लेंथेनम कम्स आफ्टर लेंथेनम कॉमा लगाइए, हैंस कम्स आफ्टर लेंथेनम हैंस कॉल्ड लेंथेनोइड्स, हैंस कॉल्ड लेंथेनोइड्स। अब देखो बच्चों, पूरी सीरीज अगर आपको याद हो, वैसे ज़रूरत तो नहीं है पर अगर आपको याद है और आप लिखना चाहते हो बहुत अच्छे से याद है, हाँ लेंथेनम एल ए एन टी एच एन यू एम कम्स आफ्टर लेंथेनम हैंस कॉल्ड लेंथेनोइड्स, ठीक है ना। लेंथेनम लेंथेनम से स्टार्ट होती है हैंस कॉल्ड लेंथेनोइड्स, ठीक है। तो देखो ये स्टार्ट होती है लेंथेनम से, ठीक है, लेंथेनम से स्टार्ट होती है, सॉरी लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है, लेंथेनम के बाद से स्टार्ट होती है और स्टार्ट होती है सीरियम से और एंड होती है ल्यूटेटियम पे, है ना। जे है आपकी लेंथ, लिखिए दिस इज द लेंथेनोइड, जे जो आपके हैं ये लेंथेनोइड से। आपको तो याद ही होगा सीरियम प्रेजुडाइमियम न्यूडाइमियम प्रोमेथियम सेमेरियम यूरोपियम गैडोलियम टर्बियम डाइपोल होलमियम अर्बियम थूलियम इट्रियम एंड ल्यूटेटियम। और जिसको नहीं है याद तो हमने सिर पर नाड़ा पहनू में शाम को यूं दौड़ूंगा तब दी हो इधर तुम्हें वो ल्यूटेटियम, ऐसे याद कर लो सिर पर नाड़ा पहनो पद ने फिर धमकी थी शाम को यूं दौड़ भी तब दी हो इधर तुम्हें वो ल्यूटेटियम, है ना। और ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल ही सिंपल है तो अपन जैसे गाँव में लाइट वगैरह चली जात तो वे मतलब ई वाले गए तो वे क्या क्या डब्बी लेस लो तो लेस लो, ठीक है ना। तो डब्बी लेस लो, तो डब्बी लेस लो, जे कब के लिए इन तीन के लिए सिर्फ लेस लो। टोटल एलिमेंट्स हैं 14, है ना। तो लेंथेनोइड्स है वो 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स है ना, ध्यान रखिएगा जी। यहाँ से लेके यहाँ तक के एलिमेंट टोटल जो फोर इन्हीं को कहा जाता है लेंथेनोइड्स। इस सीरीज में सिर्फ एक ही रेडियो एक्टिव है प्रोमीथियम, और रेडियो एक्टिव होने के साथ साथ आर्टिफिशियल भी है, वो नेचुरल एलिमेंट नहीं है प्रोमीथियम, ठीक है। देखो जी प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव भी है एज वेल एज आर्टिफिशियल भी है, आपका एक ही रेडियो एक्टिव है ल्यूटेटियम, ल्यूटेटियम एल यू टी ई टी आई यू एम ल्यूटेटियम,
कभी भूल जाओ तो याद कर लियो, लाइट चली जाती है तो घर में लेस लो, डब्बी लेस लो, या हमें याद कर लियो, हम सोच लियो कि हम कौन रेलवे स्टेशन पे लस्सी बेच रहे, लस्सी लो सारा बहुत खुश हो जाए जब हम ऐसी बातें कही। रेडियो एक्टिव में पूछना, प्लूटोनियम सबसे महंगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, प्लूटोनियम। हाँ एनर्जी, यूरेनियम मतलब थोड़ा रिच में क्वांटिटी में पाया जाता है, अपने देश में तो है ही नहीं है, हालांकि बनाया जा रहा है, समुद्र के पानी में पाया गया है अपने यहाँ पर, उससे बनाया जा रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव है आपका प्लूटोनियम, सबसे महंगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। देखिए इसमें लिखिए, इन लैंथेनोइड सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, इन लैंथेनोइड सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। लैंथेनोइड सीरीज इन लैंथेनोइड सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। और इसमें सबसे हार्डेस्ट लैंथेनोइड कौन है पता है? सेमेरियम सबसे हार्डेस्ट लेंथ, हम ये नहीं कह रहे पूरे पीरियोडिक टेबल में, लैंथेनोइड में कह रहे हैं, है ना? लैंथेनोइड सीरीज ओनली प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव। रेडिएशन के प्रति एक्टिव है, अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है, लाइट पड़ेगी तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते विस्फोट भी हो जाता है, है ना? अगर हम सेमेरियम की बात करें तो ये हार्डेस्ट लैंथेनोइड है, हार्डेस्ट लैंथेनोइड है। और लैंथेनोइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या है? +3। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना? अब वो बाद में लिखेंगे क्या लिखेंगे। हार्डेस्ट लैंथेनोइड है इसकी, है ना? और इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, इससे लैंथेनोइड में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने आपको एक दो डेटा अच्छे लगे वो अभी, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी, वो है +3। इसके अलावा कुछ एलिमेंट में +2, +4 भी पाई जाती है, लेकिन वो लौट के +3 में ही आता है। फिर से पूछ ले किसमें +2 पाई जाती है, किसमें +4, बड़े आसानी से बता दोगे आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना, जहाँ दो इलेक्ट्रॉन निकलने से स्टेबिलिटी आ रही होगी वहीं पे +2 जाएगी। सेमेरियम हार्डेस्ट लैंथेनोइड है, इसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब डालिए हेडिंग, एक्टिनोइड्स या 5F सीरीज।
एक्टिनाइड्स बोलते हैं या एक्टिनोइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनोइड्स या फाइव एक्स सीरीज भी बोलते हैं। लिखेंगे, लिख लो पूरा वही, पूरा वही कम्स आफ्टर एक्टिनियम हैज कॉल्ड एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड है ना बच्चे, एक्टिनोइड्स, ACTINOIDS, एक्टिनोइड्स। कम्स आफ्टर एक्टिनियम कॉमन लगाइए, हेंस कॉल्ड एक्टिनोइड्स। एक्टिनियम्स के बाद से शुरू होती एसी ठंडा पाव नॉर्थ पोल पे, पाव आम कैमरा बुक कैफे एफएम मिडिल में नॉन ऑरेंसियम। मान लो हम दुकान गए, हमने उससे कहा एसी ठंडा ला रही, ऐसे आप याद कर सकते हो, लेस लो एसी ठंडा ला रही, ठीक है ना, या अच्छा ठंडा ला रहे। और फिर जिसको याद है उनको ना लेस लो याद करने की जरूरत है, ना एसी ठंडा ला रहे। देखो देखो जिसको याद होती है ना वो कितनी भी ट्रिक बना सकता है। फोर्टीन एलिमेंट्स किसी भी ब्लॉक में उतने ही एलिमेंट होते हैं जितने उस ब्लॉक में और वाइटल हो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे एस ब्लॉक के दो ही ग्रुप हैं क्योंकि एस में दो ग्रुप इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी ब्लॉक के सिक्स ग्रुप हैं क्योंकि सिक्स इलेक्ट्रॉन, डी के दस ग्रुप हैं दस इलेक्ट्रॉन, एफ के चौदह ग्रुप हैं क्योंकि चौदह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हालांकि सभी बिलोंग करते हैं एक ही सीरीज से। जे कहलाते हैं एक्टिनोइड्स। लिखेंगे ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, सभी एक्टिनोइड्स रेडियो एक्टिव हैं। वैसे तो इनकी कोई कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है नहीं, ये प्लस टू भी शो करते हैं, प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन तक शो करते हैं, जबकि लेंथेनोइड्स सिर्फ तीन ही शो करते हैं, प्लस थ्री सबसे ज़्यादा, कभी कभी प्लस टू और प्लस फोर। ये प्लस टू से लेकर प्लस सेवन तक शो करते हैं, हालांकि इनकी भी जो मानी गई है वो प्लस थ्री ही सबसे ज़्यादा स्टेबल मानी गई है, लेकिन वो उतनी फेमस नहीं है जितनी लेंथेनोइड की फेमस है। क्यों? क्योंकि लेंथेनोइड प्लस थ्री में शो करता है कॉन्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, वही आपका अगला टॉपिक आने वाला है, ठीक है ना। कुछ फैक्ट लिखेंगे, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, मतलब ये रेडिएशन के प्रति एक्टिव है, इन्हें आप एक्सपोज नहीं कर सकते एटमॉस्फेयर में, विस्फोट हो सकता है। ऑल एक्टिनोइड्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। एक और फैक्ट लिखेंगे इसमें, वो है